सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको कुर्ती की कटिंग काटना सिखाऊंगी और उसके साथ ही कुछ कमेंट मेरे पास आए थे जिनके जवाब मैं ऐसे लिख के नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा था जो वीडियो बनाऊंगी उसमें उसके जवाब भी दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मेरी कुर्ती पे निशान मैं लगा लूँगी उसके बाद कुछ कमेंट्स हैं मेरे पास जिनके जवाब मैं देना चाहती हूँ इसमें, तो जब निशान लग जाएंगे उसके बाद मैं कमेंट्स के जवाब दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो मेरा नाप है वो बता देती हूँ इस कुर्ती को काटने का। तो इसमें हमारी लेंथ 36 है, शोल्डर हमारा 7 है, मतलब के फोल्ड करके 7 है, खोल के हमारा 14 इंच है। ब्रेस्ट 42 है, वेस्ट 38 है, हिप 44 है, और इसमें बैक नेक 7 है और फ्रंट नेक 8.5 है। तो फ्रेंड्स, इस जो ब्रेस्ट हमारी 42 है, लेंथ तो हम पूरी लेंगे 36 और प्लस 2 करके लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो अभी मैं बताती हूँ आपको इसमें ही लेके, यहाँ से हमारा लेंथ है 36, आधा ऊपर शोल्डर में दब जाएगा तो हम आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। पहले इसको सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। अब आते हम शोल्डर पे। तो शोल्डर फ्रेंड्स इसका 7 है, पर मैं जैसे हमारा जो बैक नेक है वो 7 है डीप उसका, तो इसका मैं 7 ना लेके 6 ही लूँगी शोल्डर। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आप बैक नेक जितना डीप पहनते जाते हैं उससे आप उतना ही शोल्डर भी कम करें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऊपर एक आई बटन है, मैं उसमें आपको वीडियो दूंगी, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ये मैंने 6 इंच यहाँ पे रख लिया। आर्म होल हमारा 7 है, 7 लेंगे। फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने इसकी भी बनाई है कि आपकी जितनी ब्रेस्ट होती है आप उसके हिसाब से आर्म होल कितना रख सकते हैं, तो मैं सारे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वैसे बहुत सारी वीडियो ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी, पर इनकी जो ये मैंने बोला है बहुत ज़रूरी वीडियो है, जब भी आप कुर्ती काटें तो ये दो जरूर वीडियो देखिएगा कि शोल्डर कम करने वाली और आप ब्रेस्ट के हिसाब से आर्म होल कितना रखते हैं, ये दो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ब्रेस्ट हमारा 42 है, उसका हम चौथा करेंगे तो 10.5 होता है, और हाफ इंच हम और प्लस करेंगे तो ये 11 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम 11 इंच लेंगे। वेस्ट हमारा 38 है, जिसका हम चौथा करेंगे तो 9.5 होगा, और 9.5 में हम आधा इंच और प्लस करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले एक बात आप देख लीजिए कि नॉर्मली मैं बता रही हूँ, हर सूटों में ऐसा ही होता है कि जब कमर की लेंथ जब नापते हैं यहाँ पर, ऐसे में मैं अभी बताऊंगी आपको ऐसे किस तरीके से लेते हैं, पर ये शोल्डर से 14-15 लेते हैं ये कमर का नाप जहाँ पे हमें लगाना है, तो मैं ये 14.5 ले रही हूँ, और हिप का नाप हमारा लगेगा 21 या 22 लगता है, तो मैं यहाँ पे 21.5 इंच ले रही हूँ। वेस्ट का निशान हमारा यहाँ पे लगेगा जो कि 9.5 इंच था, उसमें हमने 0.5 इंच प्लस किया है तो ये 10 इंच हो जाएगा। हिप हमारा 44 है, जिसका चौथा 11 इंच होता है, उसमें भी हम 0.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 11.5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से पहले मैं इन सारे निशानों को सीधा कर लूंगी स्केल की मदद से। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमने शोल्डर कम किया है क्योंकि बैक नेक हमारा डीप है, बट यहाँ पे जितना शोल्डर होता है उतना यहाँ पे लेना होता है आर्म होल का निशान लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 7 लेना था वैसे हमारा, बट हमने कम किया है उसको, बट यहाँ पे कम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम 7 इंच रख लेते हैं। ये बैक का निशान जाएगा 7 इंच पे, ये हमारा बैक का निशान जाएगा, और इससे 1 इंच अंदर हमारा फ्रंट का निशान जाएगा, तो इसको सीधा कर लेते हैं।
तो जो बैक की गोलाई है हमारी इस पे जाएगी, फ्रंट की गोलाई हमारी इस पे जाएगी। इस तरीके से अब हम सबसे पहले सीधे फुट्टे की मदद से ये जो हमारा चाक होंगे इसको निशान लगा लेंगे। जितना हमने ये लिया था हिप अपनी, उतना ही नीचे का भी घेरा लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती में जितना आप हिप लेते हैं उतना ही आप घेरा भी रखते हैं। तो हमने हिप 11.5 लिया था। आप चाहें तो आधा इंच बढ़ा सकते हैं, ये मैं 12 ले रही हूँ। इसको हम सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे, इसको हम सीधा मिलाएंगे। और अब मैं सेव फुट्टी की मदद से, ये हल्की गोल रहती है यहाँ से, इसकी मदद से मैं ब्रेस्ट से कमर का और कमर से हिप तक का निशान लगाऊंगी। अब फ्रेंड्स आपको मार्जिन का जितना भी छोड़ना है आप उतना छोड़ लें, मैं 2-2 इंच छोड़ूंगी पूरे में। फ्रेंड्स एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये सेव फुट्टी जो होती है वो हर घर में अवेलेबल नहीं होती है, और मैं तो, मेरे पास हर सामान है क्योंकि मैं ये सब काम करती रहती हूँ। तो आपके पास अगर सेव फुट्टी नहीं है तो आप हाथ से भी इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, और मैं बाद में ये भी इसका अभी डिस्कस करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। यहाँ से हम हल्का सा डाउन लेंगे शोल्डर पे, यहाँ से जो हमारी ब्रॉडनेस होती है वो 3 इंच होती है, तो उतना हम नेक का नाप के और यहाँ पे हल्का डाउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आती है कमेंट्स की बारी, जो कि मैं अभी देना चाहती हूँ आपको, कि कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे। एक कमेंट आया था, ब्रेस्ट एंड डाउन ब्रेस्ट में कितना इंचेस का डिफरेंस होगा? तो फ्रेंड्स ये हमारी ये वाली जो लाइन होती है ना आर्म होल वाली, इसको अपर ब्रेस्ट बोलते हैं, और ये कमर वाली इसको हम अंडर ब्रेस्ट बोलते हैं, और एक इसके बीच में आती है जिसको हम डाउन ब्रेस्ट बोलते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। और एक कमेंट आया था, मैम मेरी मम्मी को किसी की सिलाई पसंद नहीं आती क्योंकि ब्रेस्ट से सूट सही नाप नहीं आता ब्रेस्ट से। और तीसरा कमेंट है, कुर्ती सिलने के बाद कुर्ती कंधे से क्यों खिंचती है? चौथा कमेंट है, मैम कुर्ती ब्रेस्ट से प्रेस हो जाती है, मतलब दब जाती है, फिटिंग सही नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 कमेंट मैंने ब्रेस्ट के बारे में, वो एक ही मैं बताऊंगी उसका सल्यूशन। और जो कंधा, कंधे से जो खिंचती है, तो वो ये चीज़ फ्रेंड्स आपका, आप क्या करते होगे कि इसको बहुत अंदर से काट देते होगे, हमें इतना छोड़ना होता है, इसकी वजह से कंधा खिंचता है। मतलब ये जो हम फालतू लेते हैं ना, ये हमारा बैक का निशान है, ये फ्रंट का निशान है। बैक का ज़्यादा लेना होता है, फ्रंट का कम लेना होता है। तो इसमें यही चीज़ आपकी कम हो जाती होगी, मतलब कि ज़्यादा कट जाता होगा, इसीलिए वो कंधे जब हम आगे हाथ करते हैं तो वो खिंचते होंगे। और जो फ्रेंड्स बाकी के 3 हमारे कमेंट हैं वो इससे रिलेटेड हैं कि ब्रेस्ट दब जाती है, फिटिंग सही नहीं आती है। तो फ्रेंड्स वो इसलिए होता है कि ये जो सेव फुट्टी है वो हमें इस तरीके से उभार आता है, तो इस तरीके से देती है। कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से ये निशान लगाते हैं, मतलब ऐसे निशान ले जाते हैं, तो इससे क्या होता है ब्रेस्ट दब जाती है। तो हमें ये ऐसे नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई में लेना है जहाँ तक हमारी डाउन ब्रेस्ट आती है। तो मैं इसको डार्क कर लेती हूँ, जो हमारी रियल लाइन है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कई लोग इस तरीके से पूरी गोलाई देके हिप तक ले जाते, तो वो सही नहीं है। हमारा जो सही है बिल्कुल ये इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे हल्का सा गोलाई देके, तो यही इसीलिए हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो दब जाती है इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स और मैं आपको और एक चीज़ बताने वाली हूँ कि कमेंट आते हैं मेरे को कि डाउन ब्रेस्ट क्या होता है, तो मैं आपको इस पे बोर्ड पे बताने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स एक कमेंट मेरे पास ये भी आते हैं कि डाउन ब्रेस्ट क्या होता है, अपर ब्रेस्ट क्या होता है, अंडर ब्रेस्ट क्या होता है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें ड्रॉ पे। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है ब्रेस्ट का, इसे डाउन ब्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो इस यहाँ इस पॉइंट के नीचे, ये हमारा अंडर ब्रेस्ट होता है, और इस पॉइंट के ऊपर ये अपर ब्रेस्ट, इसको बोली जाती है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि
कि जो हमारी ये डाउन ब्रेस्ट है हर किसी की एक जैसी नहीं आती है, थोड़ा आधा इंच एक इंच का फ़र्क आता है, किसकी 10, किसी की 11, किसी की 12 पे आती है, इस तरीके से आती है ये वाली ब्रेस्ट। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि अपर ब्रेस्ट, ये अपर ब्रेस्ट है हमारी जो आर्म होल में ये लाइन जाती है ना, ये अपर ब्रेस्ट होती है। तो किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम अपर ब्रेस्ट और डाउन ब्रेस्ट में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको अंदाजे से वैसे बता देती हूँ कि कितना डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स 3.5 या 4 ऐसा भी डिफरेंस आ सकता है, 3.5 या 4, क्योंकि ये डाउन ब्रेस्ट सबकी अलग अलग होती है, किसी की 10 पे आती है, किसी की 11 पे, तो किसी की 12 पे भी आती है। तो ये मैं प्रॉपर आपको नहीं बता सकती, हाँ बाकी अंदाजे से बता सकती हूँ कि ये 3.5 इतना रहता है। तो ये हमारी हो गई अपर ब्रेस्ट, ये हो गई हमारी अंडर ब्रेस्ट, इसके बीच में जो आती है वो है डाउन ब्रेस्ट। तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है डाउन ब्रेस्ट का, आप यहाँ से हल्का सा बाहर ही ले लोगे ना तो भी आपका ये सही बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कमेंट जो मेरे को सॉल्व करने थे। तो चलिए इस कुर्ती की भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा फ्रंट पीस है, तो इसकी कटिंग यहाँ पे होगी। ये मैं अभी इसी पे काट रही हूँ क्योंकि इसी पैनल को रख के हमें बैक का भी काटना है, तो मैं अभी कैंची इसी वाली लाइन पे चलाऊंगी। तो फ्रेंड्स हम अभी बैक का अपना पीस बिछाएंगे और इसको रख के बैक भी एज इट इज काट लेंगे। चलिए काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अपने फ्रंट पैनल को बैक पे बिछा दिया है। अब मैं इसको एज इट इज़ काट लूँगी और काटने के बाद जब ये हमारा कट जाएगा तो ये इसका फ्रंट का जो हमें ये काटना था इसको भी काट लेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कटिंग हो गई है हमारी फ्रंट पैनल की और बैक पैनल की, दोनों की हो गई है। अब ये जो निशान है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे तो सिलते वक्त हमें परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये कट लगा लिए हैं। अब मैं फ्रंट पैनल को उठाऊंगी और बैक पैनल को एक साइड रख के जो फ्रंट में हमें आर्म होल में कट लगाना है वो भी मैं लगा लूंगी। और जब भी आप कट करते हैं तो निशान से हटा के कैंची चलानी है, निशान के ऊपर कभी ना चलाएं। तो फ्रेंड्स ये मैंने कटिंग कर ली है और इसका जो नेक है मैं कभी भी पहले नहीं काटती हूँ, जब बुकरम पे सेट करती हूँ तभी मैं काटती हूँ। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।